हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमारी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम अपने आप को करने वाले हैं राधा रानी में कन्वर्ट फॉर जन्माष्टमी। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है सीरम, तो इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाइंग आईब्रो। तो अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करूँगी मैं दोनों को। उसके बाद मैंने अपनी आई बेस को लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारा जो आई बेस अच्छे से हमारे आई शेडो को पॉप अप करने में मदद करेगा। तो इसको लगा के मैं अच्छे से इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको ब्लेंड करने के बाद हम अपने डार्क सर्कल को भी कंसील करेंगे। इसको अच्छे से कंसील करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाइंग अ लूज पाउडर। तो जो हमारा आई मेकअप है, मैं चाहती हूँ अच्छे से पॉपअप हो, तो इसके लिए मैं अपने आई बेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो आज हम पहले अपना फेस का बेस बनाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन लगानी स्टार्ट कर दी, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाइंग अ लाइटर शेड फ्रॉम योर स्किन टोन। तो ये मैं माई ग्लैम का एक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये जो फाउंडेशन है ड्यूप ऑफ हुड्डा ब्यूटी है, जो कि आपकी स्किन पे अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो आप इसको जब भी लगाओगे, इसको जल्दी जल्दी से आपको ब्लेंड करना होगा, नहीं तो ये केकी हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपने फेस को कंटूर किया है अपने फेस के फ्यूचर्स को अच्छे से शार्प करने के। उसके बाद हमारा फेस का पूरा बेस सेट करेंगे अप्लाइंग अ लूज पाउडर। आप लोग कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो मैं लूज पाउडर से अच्छे से बेस को सेट करी। इसके बाद हमने अपना आई मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ब्राउन कलर का ट्रांजेक्शन शेड लेके इसको अच्छे से अप्लाई किया, उसके बाद पिंक कलर का शेड लेके अपना जो भी कट क्रीज है क्रिएट किया, उसके बाद हल्का सा शिमर लेके हेलो आई मेकअप लुक किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमने अप्लाई किया आईलाइनर। तो मैं अपने चिक्स पे ब्लशर लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसको ब्लेंड करने के बाद हमारा आई मेकअप हो गया स्टार्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने जो अपना आई मेकअप करना स्टार्ट किया है ये वाला, तो इसके लिए मैंने चंदन और सिंदूर किया है। तो इससे मैं अच्छे से अपने आई का जो भी मेकअप है बेस अच्छे से बना रही हूँ। इसको बनाने के बाद हमने आप लोग देख सकते हैं मैं ब्रश की हेल्प से ये वाइट कलर के डॉट्स बना रही हूँ अपने रेड कलर के डॉट्स के साइड्स पे, जिससे कि आपका फेस अच्छा लगेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस मेकअप, कि आपको अपने हाइलाइटर से अपने फेस को अच्छे से हाइलाइट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लिप लाइन कर रही हूँ, उसके बाद मैंने पिंक शेड का लिपस्टिक लगाया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं हाईलाइट करी अपने फेस को। तो हाईलाइट करने से आपके फेस में एक अच्छे से शाइन आ जाएगा। उसके बाद जो मेरे आईज़ के फ्रंट के कॉर्नर्स हैं, इस पर अच्छे से अप्लाई करती हूँ, जिससे देख सकते हैं आप हमारे मेकअप में अच्छे से जान आ गई। तो मैं अपने हेयर स्टाइल को चेंज करूँगी, थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से ये मेकअप कर लिया। और हेयर स्टाइल तो आप लोग देख सकते हैं मैंने